सब्सक्राइब करें मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जियो फोन बुकिंग के लिए अवेलेबल हो गया 24 अगस्त 2017 से। अगर आपके मन में अभी भी सवाल है कि जियो फोन आप कहां से बुक करें, जियो फोन के लिए आपको कितना पे करना है, जियो फोन में आपको क्या फीचर्स मिल रहे और जियो फोन आपको कब डिलीवर्ड होगा, तो सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। तो प्लीज आप ये पूरा वीडियो देखें। मेरा नाम हरीश है और मेरे चैनल का नाम है मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपका, जियो फोन हमें कितने में आ रहा है, कितने में हम बुक कर रहे हैं। तो जियो फोन के लिए आपको 500 रुपीज की बुकिंग अमाउंट, 500 रुपए की बुकिंग अमाउंट देनी है और बाकी का 1000 रुपीज जब भी आपको फोन डिलीवर्ड होगा तभी आपको पे करने है। यानी कि आप 1500 रुपीज का सिक्योरिटी डिपोजिट कंपनी को दे रहे हो जो कि 3 साल के बाद कंपनी आपको रिफंडेबल देगी। लेकिन इसके लिए आपको जियो फोन आपको सही सलामत कंपनी को हैंड ओवर करना है बिल के साथ। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सवाल आपका, जियो फोन आपको कब से मिलेगा। जियो फोन आपको डिलीवर्ड होगा 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में। अगर बुकिंग ज्यादा हुई तो डिलीवर होने के लिए थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है। तीसरा सवाल, तो रिलायंस जियो फोन को हम कहां से बुक कर सकते हो। रिलायंस जियो फोन को आप 3 तरीके से बुक कर सकते हो। पहला तरीका ऑफलाइन स्टोर से बुक कर सकते हो, दूसरा तरीका आप jio.com पे जाके बुक कर सकते हो, तीसरा तरीका आपको माई जियो ऐप से बुक कर सकते हो। तो मैं आपको तीनों तरीके बारे में जानकारी देता हूँ। तो पहला तरीका, जियो फोन को ऑफलाइन स्टोर से कैसे बुक कर सकते हो। जियो फोन को आप कोई भी पास वाले जियो रिटेल सर्विस सेंटर में जाके बुक कर सकते हो। उसके लिए आपको 500 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट देनी है और उनसे एक टोकन लेना है जो कि जब भी आपका फोन 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में आ जाएगा जियो सर्विस सेंटर में, तो आपको वो टोकन देना है और बाकी की 1000 रुपीज़ की अमाउंट देनी है और उनसे स्लिप लेनी है और जियो फोन लेके घर पे आना है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे सिंपल तरीके से आप बुक कर सकते हो। दूसरा, jio.com पे जाके आप बहुत ही आसान तरीके से बुक कर सकते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बुक करना है। और तीसरा, आपको माई जियो ऐप से भी आप बुक कर सकते हो, तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे आप jio.com पे जाओगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन प्री बुकिंग स्टार्टेड, बुक नाउ। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे बुक नाउ के ऊपर तो आपको अलग से स्क्रीन पे ले जाएगा। वहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल के दिखा देता हूँ कि आपको आगे की प्रोसेस कैसी करनी है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। हालांकि बहुत सारे गांव के या फिर विलेज के पिन कोड यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो आप सिटी के ही पिन कोड डालिए ताकि आपका जियो फोन बुक हो जाए। आपके फ्रेंड्स का या फिर किसी रिलेटिव का सिटी में पिन कोड नंबर है तो वो डाल दीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक पिन कोड नंबर डाल के दिखा देता हूँ कैसे करना। जैसे आप पिन कोड डालोगे यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए बुक जियो फोन नाउ एट ₹500 ओनली, और यहाँ पे आगे फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे यहाँ पे कंफर्म बुकिंग फॉर योर नंबर, यहाँ पे बुकिंग नंबर देख लीजिए और पिन कोड नंबर देख लीजिए और पे पे क्लिक कीजिए। जैसे आप पे पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, किसी के भी जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मर्चेंट नेम दिया गया है रिलायंस जियो डिवाइस, पेमेंट अमाउंट ₹500। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे और मेक पेमेंट करोगे तो आप यहाँ से पेमेंट करोगे, जैसे ही आपके मोबाइल पे जो भी नंबर आपने दिया है उसके ऊपर एक मैसेज आ जाएगा बिल्कुल इस तरह का। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि प्री बुकिंग ऑफ इंडिया का स्मार्टफोन जियो फोन इज सक्सेसफुल, पेमेंट ऑफ ₹500 हैज बीन रिसीव, ट्रांजेक्शन ID दिया जाएगा और यहाँ पे नीचे लिखा गया है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ जियो फोन यू विल रिसीव एन SMS विथ स्टोर डिटेल। यानी कि जब भी जियो फोन 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में अवेलेबल होगा आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको ये फोन कहाँ से कलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह आप jio.com पे जाके आप जियो फोन को रजिस्टर बुक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि माई जियो ऐप से भी आप कैसे फोन को बुक कर सकते हो। दोस्तों, जैसे आप माई जियो का ऐप खोलोगे आपके मोबाइल पे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जियो फोन बुक करने का। अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं आता है तो आपको मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा कि आप माई जियो ऐप में कैसे बुक कर सकते हो जियो का फोन। तो चलिए, मेरे सामने ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे प्री बुक नाव का ऑप्शन आ रहा है नीचे, तो मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं प्री बुक नाव पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर पूछेगा जी, और यहाँ पे पिन कोड भी डालना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको सामने आ गया है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर एंटर करूंगा नीचे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, इसके ऊपर क्लिक करना है जी। वही प्रोसीजर जैसे कि आप jio.com पे करोगे वैसे आप माई जियो पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एंटर न्यू पिन कोड,
यहाँ पे मैं पिन कोड डाल के दिखा देता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा दोबारा यहाँ पे ऊपर आ गया है प्री बुक नाउ बुक जियो फोन नाउ एट ₹500। नीचे फिर से प्रोसीड आ गया है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे का ऑप्शन आ गया है तो पे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे पे पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि कैसे पेमेंट आप करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे सामने आ जाएंगे। थोड़ा वक्त लेगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जियो फोन बुक करने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है जियो मनी, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने, आप किसी के भी जरिए ये पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप माय जियो का एप्लीकेशन ओपन करते हो और आपके सामने ऑप्शन नहीं आता है कि जियो फोन आप कहाँ से बुक करें, तो बहुत ही सिंपल वे, आप माय जियो का पहला ही ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर ओपन का सामने दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली माय जियो में लेके जाएगा जहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जियो फोन बुक करने का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, नीचे देखिए माय वाउचर्स दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। माय वाउचर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जियो फोन की ऐड आ जाएगी, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। वैसे ही आपको मोबाइल नंबर डालना है और पिन कोड डालना है और बुक कर सकते हो। इस तरह से आप माय जियो एप्लीकेशन से भी आप जियो फोन को बुक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके तीसरे सवाल का जवाब हो गया और चौथा सवाल कि आपको जियो फोन में क्या क्या मिल रहा है, तो मैं इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको व्हाट्सअप नहीं मिल रहा है और इसमें आपको वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी व्हाट्सअप के ऊपर काम कर रही है जो कि आगे अपडेट्स में आपको मिल सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको जियो का दंदनादन प्लान मिल रहा है 153 रुपीज का, जो कि हर मंथ आपको पे करना है, और इसमें आपको फ्री वॉइस कॉल मिल रहा है, अनलिमिटेड डाटा, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आपको 500 MB दिन का मिल रहा है कि 1 GB मिल रहा है पर डे का। जी यहाँ पे फ्री 300 SMS भी दिए गए हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये महीने के है या फिर दिन के है। और नीचे देखिए जियो एप्स, मतलब जियो के म्यूजिक मूवीज आप प्ले कर सकते हो ये फोन में। जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए जिसका होता पावर ऑफ जियो फोन, मतलब आपको जियो फोन में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं ये सारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से भी आप देख सकते हो कि आपको इसमें जियो फोन में क्या क्या मिल रहा है। जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको देख सकते हो तो जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा, ब्राउज, मतलब यहाँ पे इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हो, आप SMS कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ये इसके फीचर्स है। और नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 22 इंडियन लैंग्वेज जियो फोन सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे देखिए सारे एंजॉय जियो एप्स, यहाँ पे सारे जियो एप्स आप इस छोटे से फीचर फोन में आप एंजॉय कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आप देख सकते हो तो जियो फोन आप टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको 309 का प्लान रिचार्ज करना है, और इसके साथ जियो फोन के साथ आपको एक केबल आएगी जो कि आप डायरेक्टली जियो को, आप जियो फोन को आप टीवी में देख सकते हो, आप जियो म्यूजिक, जियो मूवीज, जियो सिनेमा, सारे कुछ आप बड़े टीवी पे एंजॉय कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, मतलब जियो फोन में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो आप पढ़ सकते हो सारे कुछ। इसमें मैं स्पेशल बता देता हूँ कि आपको इसमें सिर्फ सिंगल सिम ही मिल रहा है, डबल सिम फोन नहीं है, इसमें आप जियो का ही सिम यूज कर सकते हो। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है, 512 MB की रैम मिल रही है, और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं कहीं पे भी आज तक मेंशन नहीं था कि आपको जियो फोन में कितनी बैटरी मिल रही है, तो यहाँ पे आप मेंशन किया गया है 2000 mAh की बैटरी मिल रही है जो कि 12 आवर्स का टॉक टाइम दे रही है और 15 डेज का स्टैंड बाई टाइम दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इंटरनल मेमोरी के बारे में भी कहीं मेंशन नहीं था, तो इसमें आपको 4 GB मिल रही है और आप ये एक्सपांड भी कर सकते हो 128 GB तक। यहाँ पे आपको रियर कैमरा 2 MP का मिल रहा है और फ्रंट कैमरा 0.3 MP का मिल रहा है, VGA कैमरा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब जियो कॉलिंग आप करोगे तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो फेस टू फेस। जी जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये स्पेशल है इसमें, यहाँ पे आपको वाईफाई मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आप घर के कनेक्शन के साथ वाईफाई के जरिए आप सर्व भी कर सकते हो जियो फोन पे। जी यहाँ पे NFC भी मिल रही है, इतने छोटे से फीचर फोन में आपको NFC का फीचर मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी जगह पे आप इस NFC के जरिए पेमेंट कर सकते हो, बड़े मॉल्स में या किसी को भी पैसा भेजना है तो NFC के जरिए आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नीचे सारे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके आप सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। तो ये सारे कुछ जियो फोन्स में आपको मिल रहा है, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको जियो फोन लेना है कि नहीं लेना है, तो आप जल्दी लेना है तो बुक कीजिए, तो आप भी जियो फोन को जल्दी से पा सकते हो। हाँ दोस्तों, ये थे सारी जानकारी जियो फोन के बारे में मैंने आपको बताई, अगर इसमें कुछ भी रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए,
और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रिक्स, टिप्स, सॉल्यूशन, इन्फॉर्मेशन कुछ भी आता है मैं आपके लिए लाता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।